हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। आज आपके लिए मैं एक कॉमर्स का टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो कि एक सोशल साइंस का पोर्शन है, लेकिन ये अलग से एक सब्जेक्ट भी है जिसके बारे में हम जो है वन बाई वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है और उसमें कौन कौन से टाइप की इकोनॉमिक्स की मीन्स के कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्या काइंड्स है उसकी, और वन बाई वन उन दोनों को स्टडी भी करेंगे, इकोनॉमिक्स की काइंड्स को एंड उसके बाद जो है उनके कॉम्पोनेंट्स को भी साथ में जानेंगे कि एक टाइप में उनके क्या क्या कंपोनेंट्स को स्टडी किया जाता है। सो फर्स्टली आज हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं विद द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स होती क्या है? इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशू एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में हम जो है स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में, इकोनॉमी की इश्यूज़ के बारे में एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। यू के राइज हो रहे हैं, राइज मीन्स के अपवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। राइज आउट ऑफ द फैक्ट, कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो के राइज हो रहे हैं, मीन्स के कौन कौन से इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो के राइज अप हो रही हैं, डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। फर्स्टली रिसोर्सेज आर स्क्योर्ड इन रिलेशन टू नीड्स एंड डिज़ायर। सबसे पहली चीज़, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो स्क्योर्ड है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में है जो भी हमारे पास संसाधन है, और उस हिसाब से जो हमारी ज़रूरतें हैं, नीड है, जो हमारी डिज़ायर है, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। एंड स्क्योर रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हमने अलग अलग वे में ही यूज़ करना है। इसकी फर्स्ट एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल, डेली लाइफ की एग्जांपल ले सकती हूँ, वाटर। जैसे वाटर हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन उसे हमने जो है अलग अलग वे में यूज़ करना है। उसको कुकिंग के लिए भी यूज़ करना है, क्लीनिंग के लिए यूज़ करना, बाथिंग के लिए यूज़ करना है, और वॉशिंग के लिए यूज़ करना है। हर जगह में उसका जो है अलग अलग वे में उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ करेंगे और उसके साथ ही उसको जो है क्या करेंगे, हम प्रॉपर वे से जो है उस लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम उसका जो है अलग अलग वे से जो है यूज़ करते हैं। सो दैट मीन्स ये हमारे पास एक स्केयर रिसोर्सेज हैं जिसका हमने अलग अलग वे में, डिफरेंट वे में यूज़ करना है। एंड इसमें जो है हम इकोनॉमिक्स में किन चीज़ों के पे फोकस करते हैं, हमारा फोकस यही होता है कि हम रैशनलाइज मैनेजमेंट करें जो हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज हैं, मीन्स के रैशनलाइज में समझदारी से उन्हें इस तरह से मैनेज करें जिसके साथ जो है हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे वे से, एक अच्छे मैनर से जो है हम मैक्सिमाइज वे में जो है ऑप्टिमम यूज़ कर पाएँ, यूटिलाइजेशन कर पाएँ, जिससे हमें इकोनॉमी में गेन हो और उसको अच्छे तरीके से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट, कुछ एमरजेंसीज हैं इकॉनमी में, इकोनॉमिक्स में, जिसमें जो है हम रैशनलाइज उसको मैनेज कर सकते हैं रिसोर्सेज को। फर्स्ट फंडामेंटल फैक्ट क्या है, फैक्ट मीन्स के ऐसी कौन सा रीज़न हो सकता है जिसके कारण हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मीन्स कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है किस फैक्ट के कारण। पहली चीज़, रिसोर्सेज आर सिक्योर, जो रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास। दूसरा क्या है, रिसोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस, एक रिसोर्स का अलग अलग यूज़ हमने करना है। सो इसका मीन्स के ये इंटरेक्ट हो रहा है एक तरह से कि इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, उसको अच्छे वे से मैनेज करके रिसोर्सेज का यूज़ करना, मीन्स के रैशनल मैनेजमेंट करके उसका यूज़ करना, किस चीज़ का, रिसोर्सेज का, जो कि हमारे पास लिमिटेड हैं और जिनके एक चीज़ के बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ वाटर की, कि जैसे एक वाटर है, वाटर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, उसका यूज़ हम अलग अलग वे में कर रहे हैं, पानी पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अलग अलग वे में हम उसका यूज़ करते हैं। दैट मीन्स एक सिंगल चीज़ का, एक सिंगल रिसोर्स का अच्छे वे से यूज़ करना, वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है जब वो हमारे पास लिमिटेड जो है अमाउंट में हो, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है क्या, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं।
पहले इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम स्टडी करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है हमने स्क्यर रिसोर्सेज की, एक ऐसे वे में करनी है जिसके साथ हमें इकोनॉमिक गेन हो, मैक्सिमाइज किया जा सके माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर। ये दो लेवल्स हैं जिसके ऊपर हम जो है हमारी पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। माइक्रो मीन्स एक स्मॉल यूनिट, किसी सिंगल चीज़ के बारे में स्टडी करना, एंड मैक्रो मीन्स लार्ज यूनिट जिसमें जो है हम एज अ होल मीन्स पूरी इकोनॉमी को लेके चलते हैं। माइक्रो मीन्स इकोनॉमी का एक हिस्सा, एक इंडिविजुअल यूनिट, लेकिन जो हमारे पास मैक्रो है उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाती हैं, लार्ज अमाउंट में लेते हैं जिसमें जो है हम सम अप भी बोल सकते हैं, एग्रीगेट्स भी बोल सकते हैं, एवरेज निकाल के देखते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम जो है यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की टू टाइप्स हैं, वन इज माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो, एंड वी रीड दिस टू टाइप्स वन बाय वन इन विद डिटेल, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू वट आर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स वी हैव टू स्टडी इन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नो नाउ वी विल स्टडी फर्स्टली विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। वट इज माइक्रो? माइक्रो मीन्स वन, मीन्स के सिंगल, जिसमें हम सिंगल चीज़ की स्टडी करें, दैट इज़ माइक्रो, दैट इज़ माइक्रो। सो फर्स्टली व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर इकोनॉमिक इश्यूज एंड जिसमें हम स्टडी करते हैं स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो। आई रिपीट अगेन, ये वो वाली स्टडी है जिसमें हम जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करते हैं किसी स्मॉल स्मॉल यूनिट के बारे में, मीन्स छोटे से छोटे यूनिट के बारे में, जैसे कि एक कंज्यूमर के बारे में पता करना कि वो कितनी कंजम्पशन कर रहा है, कितनी उसकी डिमांड है, और एक प्रोड्यूसर के बारे में हमने जानकारी लेनी है, स्टडी करनी है कि वे एक सिंगल प्रोड्यूसर कितनी आउटपुट दे रहा है और वो कितनी एक फॉर्म जो है प्रोडक्शन कर रही है, सेल कर रही है इकोनॉमी में, एक सिंगल यूनिट। एंड सेकंड, इसमें जो है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगी, यही है कि इसको यूज़ करना, मीन्स एलोकेशन करना स्केयर रिसोर्सेज की अल्टरनेटिव यूजेस के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज है उनकी इस तरह से एलोकेट करना, उसी जगह के ऊपर यूज़ करना जिसका अल्टरनेट मीन्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में उसको अच्छे वे से यूज़ किया जा सके, यही हम माइक्रो में स्टडी करते हैं। आई रिपीट अगेन, इन दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट सिंगल यूनिट ऑफ इकोनॉमी लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एंड वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड यूजेस ऑफ स्क्योर रिसोर्सेज। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको डिफरेंट वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे साइड पे आपको एक पिक्चर शो हो रही है, इसमें हम जो है एक ग्राफ की तरह से शो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी सप्लाई एंड डिमांड शो की गई है प्राइस एंड क्वांटिटी के हिसाब से। यहाँ पे वो दोनों कर्व्स आपस में क्रॉस कर रही हैं, दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। वहाँ पे ये बोलेंगे ये वो वाली सिचुएशन है, यहाँ पे कस्टमर की, कंज्यूमर की कंजम्पशन, उसकी जो डिमांड है, जो उसकी नीड है, जो उसकी डिज़ायर है, वो कंप्लीट हो गई है अकॉर्डिंग टू मीन्स कि ये बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर ने उस हिसाब से उसको जो है दिया है कंज्यूमर को, उसकी डिमांड को पूरा किया है कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीट हो गई है उस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे हमारी सप्लाई एंड डिमांड एक दूसरे के इक्विलिब्रियम हो गई है, इक्वल हो गई है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी
नेक्स्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसमें हम डिफरेंट मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी करेंगे, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम कुछ हमारी नीड से कुछ एक्स्ट्रा जो है यूटिलाइज कर लेते हैं, सो उस हिसाब से हमारी मार्जिनल क्या होगी, क्या मार्जिन होगी हमारी। सो कंज्यूमर डिमांड थ्योरी को रीड करेंगे, जिसमें कंज्यूमर की डिमांड को देखा जाएगा, और वेलफेयर इकोनॉमी, और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी इकोनॉमी की किस वे से वेलफेयर कर सकते हैं, या किस वे से उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो नाउ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज़ थेरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हम किन चीज़ों को देखते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को किस तरह से पढ़ते हैं। सो इसमें हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज होता है किसी चीज़ के बारे में डीपली स्टडी करना। सो क्या स्टडी करते हैं हम, हाउ आर कंज्यूमर एलोकेट, ये कंज्यूमर को किस तरह से उनकी इनकम के हिसाब से उनकी रिसोर्सेज को उन तक पहुंचाया जाए, एलोकेट किया जाए, ताकि वो जो है डिफरेंट यूज़ कर पाएँ और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेटिस्फेक्शन जो है हो पाए, मीन्स उन चीज़ों को यूज़ करके उसकी सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर की जो है वो फुलफ़िल हो पाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फुलफ़िल हो पाए। क्लियर? आई थिंक यू हैव टू क्लियर दिस पॉइंट। आई रिपीट अगेन कि कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स हम एक कस्टमर के बिहेवियर से कैसे जान पाएंगे कि उसको यहाँ से सेटिस्फेक्शन हुई है। कैसे होएगी कि उसकी जो इनकम है उसका एलोकेट, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना, और उनके रिसोर्सेज जो भी उन्हें चाहिए उसके अकॉर्डिंग, उनकी इनकम के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोवाइड कर देना, ताकि उनके डिमांड के हिसाब से उन्हें सप्लाई प्रॉपरली करके उस कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फेक्शन मिल पाए, उसकी डिज़ायर कंप्लीट हो पाए, और ताकि उनकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमम रूप में हो जाए। एंड नेक्स्ट इज़ थेरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। इस चीज़ में हम एनालाइज करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं कि एक प्रोड्यूसर जो है किस वे से काम करता है, ताकि वो डिफरेंट इनपुट दे सके कंज्यूमर को, और ये वो ये भी डिसाइड करता है कि हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, मीन्स के क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, और किस वे से प्रोड्यूस करना है, वो सारे डिसीज़न प्रोड्यूसर लेता है, ताकि वो अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को फुलफ़िल कर पाए, उसकी डिज़ायर को कंप्लीट कर पाए, उसकी नीड को, उसकी वांट को फुलफ़िल कर पाए, और उसका मेन जो फोकस है वो यही होता है, और साथ ही साथ कंज्यूमर की नीड्स को तो पूरा करना ही है, और उसने अपनी नीड को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे और वर्क कर पाए। थर्ड पॉइंट इज़ थेरी ऑफ प्राइजेज। ऑफ कोर्स अगर एक कंज्यूमर ने कोई चीज़ खरीदनी है, उसको प्राइस मैटर करेगा कि उसके इनकम के हिसाब से जो है प्राइस उसे मिल रहा है। तो अगर एक प्रोड्यूसर ने गुड्स को जो है सेल करना है, उसे भी उस हिसाब से अपना प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, जिस हिसाब से उसकी जो है जो सेल है वो इंक्रीज़ हो पाए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी प्रोडक्शन का आउटपुट दे पाए, उस हिसाब से इनपुट ले पाए। सो वी विल डिस्कस ऑल्सो इन अ माइक्रो इकोनॉमिक्स अबाउट अ प्राइस। सो प्राइस में क्या है, सो इसमें हम स्टडी करते हैं हाउ प्राइजेस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड इन अ कमोडिटी मार्केट, कि एक कमोडिटी मार्केट में किस हिसाब से डिटरमाइंड कर पाएंगे गुड्स के प्राइजेस को। कमोडिटी मार्केट क्या होती है, इसकी मैंने ऑलरेडी आपको एक मेरे चैनल के ऊपर, मेरी साइट के ऊपर जो है आपको मिल जाएगी वीडियो कमोडिटी मार्केट के ऊपर। सो कमोडिटी मार्केट में क्या होएगा कि कमोडिटी की किस तरह से हमने प्राइजेस सेट करने हैं, इस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है। सो इसमें
जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि कैसे हमने के इकोनॉमिक जो भी हमारी कमोडिटी है उसकी प्राइस को फिक्स करना है। और अगर हम बात करें फैक्टर मार्केट की कि उसमें जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लाइक लेबर है, मटेरियल है, मशीनरी है, लैंड है, और ये सारी चीज़ों को जैसे हमने फिक्स करना है, उन चीज़ों को डिसाइड करना है हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से प्राइजेस को। सो देयर इज़ अ नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक एक ऐसी स्टडी हम करते हैं जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज दोनों को ही लेके चलते हैं, जिसमें जो है हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, किसी सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल कस्टमर, सिंगल फर्म के बारे में स्टडी नहीं की जाती है। इसमें जो है एज अ होल मींस पूरी इकोनॉमी को एज अ होल मींस के ग्रुप मींस के एक लार्ज अमाउंट में स्टडी करते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो विघन होती है माइक्रो मीन्स कि इसमें किन किन चीज़ों की स्टडी की जाती है। फर्स्टली इज एग्रीगेट डिमांड, दैट इज़ एडी। एडी मीन्स के पूरी इकोनॉमी की डिमांड को देखा जाता है। एंड एग्रीगेट सप्लाई की स्टडी की जाती है, दैट मीन्स कि पूरी इकोनॉमी की सप्लाई की एग्रीगेट को स्टडी किया जाता है। एंड इसमें हम एनालाइज करते हैं कि एक ऐसा लेवल जहाँ पे हमारा आउटपुट डिमांड के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम हो पाए, इक्वल हो पाए, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। दैट मीन्स जैसे मैंने लास्ट में शो किया गया है, यहाँ से हमें ये पता चल पाए कि एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं? पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें हम हमारे प्रोडक्ट लेवल के ऊपर इनकम जो है देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से करते हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। एंड नेशनल मीन्स के पूरी कंट्री बेसिस के ऊपर लेते हैं, और उसमें हम डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं एग्रीगेट्स के साथ, कितना कंजम्पशन जो है की गई है कंज्यूमर की तरफ से उसको स्टडी किया जाता है, कितना एक कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको स्टडी किया जाता है, गवर्नमेंट किस तरह से बजट बनाती है, किस तरह से वो स्पेंड करती है मनी को, उसको स्टडी करते हैं। एंड लास्ट में नेट एक्सपोर्ट को देखते हैं कि कैसे चीज़ें हम बाहर से कितनी मात्रा में मंगा सकते हैं, कितने बाहर सेल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों की हम जो है इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के? फर्स्ट वन इज़ थियरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस चीज़ में हम आउटपुट जितने हमारे पास प्रोडक्ट बन के रेडी हैं सेल के लिए, एम्प्लॉयमेंट यू नो दैट एम्प्लॉयमेंट मीन जितनी हमारे पास काम करने के लिए एम्प्लॉय है, सो इन चीज़ों में हम स्टडी करते हैं। हम इक्विलिब्रियम, सॉरी यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया, इक्विलिब्रियम आएगा, इसको हम स्ट्रक ऑफ कर देते हैं कि जहाँ पे स्ट्रक कहाँ पे करेंगे वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट इज यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम मीन्स की थेरी रिलेटेड टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी होता है महंगाई होना और डिफ्लेशनरी होता है गिरावट आ जाना, तो इकॉनमी में हम इन चीज़ों की गैप की स्टडी करते हैं। सो इसमें स्टडी क्या किया जाता है कि फुल इक्विलिब्रियम जो है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है मींस एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड दोनों इक्वल हो जाते हैं, उनमें उसका आउटपुट क्या होता है, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप जो है वो आ जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लायर, कि जितना हम इनकम को जनरेट कर रहे हैं उस हिसाब से किस तरह से हमने इन्वेस्ट करना है, उस चीज़ को भी हम मल्टीपल्स में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, स्टडी करते हैं कि अगर हमारी इनकम क्या है, कितनी इनकम में जनरेट हो रही है, उस हिसाब से कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं एक इकॉनमी में, वो चीज़ की भी इसमें स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट इज फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. फिजिकल होता है जब हम किसी चीज़ का बजट बनाते हैं, उन चीज़ों को बजट को बनाने के लिए जो पॉलिसीज तैयार की जाती हैं, डैट इज़ फिजिकल पॉलिसी. एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जब हम मनी को इशू करते हैं, उस मनी को इशू करने के लिए जो भी हमने मनी की सप्लाई करनी है डिमांड के हिसाब से, उसको इक्विलिब्रियम लेके आना है, उन चीज़ों को सप्लाई करने के लिए, बनाने के लिए इस करेंसी को, मनी को, जो भी हम पॉलिसी तैयार करते हैं, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी. तो इसमें हम बजटरी मेजर्स को क्लियर जो है करने के लिए, एंड मनी से रिलेटेड मेजर्स को करने के लिए, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप को कंप्लीट करने के लिए, हम इसमें मैक्रो में जो है इसकी स्टडी करते हैं, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की. नेक्स्ट है मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन. इसमें हम जो है कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक दोनों जो है वो देखते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई कर रही है कमर्शियल बैंक्स को, कि उन्होंने किस कोर्ट्स में, किस किन रेशोज़ में जो है सप्लाई करनी है मनी की, एंड थ्रो आउट उसकी क्रेडिट क्रिएशन कितनी होनी चाहिए. क्रेडिट क्रिएशन होता है कितना उन्हें क्रेडिट देना है, उधार कितना देना है, लोन कितना देना है, कितनी क्रिएट करनी है, उन चीज़ों की स्टडी हम इसमें करते हैं. नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट बजट. इन चीज़ में हम जो है फोकस करते हैं मेजरमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ बजटरी डेफिसिट. इसमें हम जो है बजटरी डेफिसिट के ऊपर किस तरह से हमने बजट बनाना है, गवर्नमेंट की किस तरह से हेल्प होएगी, वो सारी गवर्नमेंट जो भी बजट बनाने में हेल्प लेता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन चीज़ों को स्टडी किया जाता है. लास्ट क्या है, एक्सचेंज रेट एंड बीओपी. बीओपी इज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसमें हम एनालाइज करते हैं कि किस तरह से हमने डिटरमाइन करना है, किस तरह से हमने जो है एनालाइज करना है इंटरनेशनल मनी मार्केट को और बीओपी को, मीन्स के जिसमें बैलेंस हम लेके चलते हैं एक्सचेंज रेट के साथ, कि किस तरह से हमने फॉरेन एक्सचेंज को लेके आना है यहाँ पे, और किस तरह से हमारी जो है एक्सचेंज रेट चलेगी, और किस तरह से हमने उसको बैलेंस करके चलना है, और कौन कौन से एक्सचेंज रेट के साथ, मीन्स के हमारे बजट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हमारी इकॉनमी के साथ हमने उसको रिलेट करना है मनी मार्केट को, जो बाहर की इंटरनेशनल लेवल की मनी मार्केट है उसको डोमेस्टिक मार्केट के साथ. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसमें माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस. सो लेट वी स्टार्ट माइक्रो एंड मैक्रो. सो ये हमारा माइक्रो है और दूसरी तरफ हमारा मैक्रो है. सबसे पहले डेफिनेशन. माइक्रो में हम ऑलरेडी बोल चुकी हूँ मैं कि जैसे इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एंड ग्रुप ऑफ छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इंडिविजुअल्स का, उनकी स्टडी की जाती है. कोई सिंगल कंज्यूमर हो गया, सिंगल प्रोड्यूसर हो गया, सिंगल फर्म हो गई, उसकी स्टडी करेंगे. लेकिन माइक्रो में हम सिंगल चीज़ को नहीं लेते हैं, एज अ होल लेते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं सबका, किसी एक चीज़ के बारे में हम नहीं स्टडी करते हैं. सो एज अ होल स्टडी लेके चलते हैं, दैट मीन्स हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम, जीडीपी, एनपी, वो उन चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी की जाती है. ये तो आपकी होगी डेफिनेशन. आगे हम करेंगे कंसर्न विद. ये जो हमारी माइक्रो है वो हाउस होल्ड के साथ, फार्म के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ रिलेट होती है. लेकिन जो हमारी मैक्रो है उसमें हम नेशनल इनकम लिखते हैं, नेशनल जनरल प्राइस देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और हमारी नेशनल आउटपुट को स्टडी किया जाता है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है? माइक्रो में हम जो है डिमांड साइड को देखेंगे कि मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन हो सके, और सप्लाई साइड को देखेंगे कि मिनिमाइज प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट. मीन्स हमें प्रॉफिट भी हो लेकिन मिनिमम कॉस्ट के ऊपर हो, कि कम से कम कॉस्ट लगे और प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिल जाए. और जो हमारा मैक्रो है, मैक्रो में हम फुल एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स देखते हैं, इन चीज़ों की स्टडी की जाती है इसमें. नेक्स्ट इज बेसिस. इसमें हम जो है माइक्रो में हम प्राइस मैकेनिज्म को लेके चलते हैं, और जो कि हेल्पफुल होता है हमारी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस को, दोनों को एक साथ लेके चलता है. और अगर बात करें माइक्रो की, मैक्रो में नेशनल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीज़ों की एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की स्टडी की जाती है, बल्कि माइक्रो में सिंगल चीज़ की एंड मैक्रो में एग्रीगेट्स की.
एजम्पशन क्या है, इसमें रैशनल बिहेवियर होना चाहिए इंडिविजुअल का माइक्रो में, एंड मैक्रो में हम एग्रीगेट वॉल्यूम देखते हैं आउटपुट का इकोनॉमी में, जिसमें हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उनको अच्छे तरीके से एम्प्लॉयड करना है, यूटिलाइज करना है। लास्ट इज लिमिटेशन, इसमें एग्जिस्टेंस जो है फुल इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्जिस्टेंस होती है, ये इसका माइक्रो का क्या है, लिमिटेशन है। लेकिन जो हमारे पास मैक्रो है लेकिन जो हमारे पास मैक्रो है, मैक्रो में हम जो है उसकी प्रूफ कोई भी हमारे पास डज नॉट प्रूफ ट्रू, इसमें जो भी इन्वायरमेंट है उसको ट्रू नहीं प्रूफ कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। क्योंकि हम एग्रीगेट लेके ले रहे हैं, किसी इंडिविजुअल के बारे में हमें नहीं पता चलेगा, हम जो है ग्रैंड एग्रीगेट्स लेंगे, एज अ होल इकोनॉमी को लेके चलेंगे साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको किसी और कंसेप्ट से रिलेटेड भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके जो है कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो है वीडियो की ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में लाइक एंड शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।